हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो राजस्थान एलडीसी का आज पेपर कंप्लीट हुआ है उसी का पूरा फर्स्ट पेपर जो है यहाँ पे आपके सामने आप देख रहे हो, और इसी का सॉल्यूशन मैं आपके साथ प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए शुरू करने से पहले आपको बता दें, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा पूरे एकदम एक्यूरेट है, फिर भी अगर कैसे आंसर में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए शुरू हम करेंगे साइंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। साइंस का चैप्टर पहले यहाँ पे कवर करेंगे, आफ्टर दिन जो अदर पार्ट्स है वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे मेरे पास पेपर है इसमें जो साइंस का सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो 51 से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 से साइंस का पार्ट। तो आप देख लीजिएगा आपके पास जो भी सीरीज है उसमें हो सकता है आपका नंबरिंग जो है चेंज हो। तो देखिए इस 51 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा था, तो ये तो आप सभी ने कर दिया होगा, CaSO4.H2O इसका राइट आंसर होगा। 52 का आंसर जो होगा आपका राइट आंसर वो होगा ए वाला ऑप्शन, प्रकृति अनुचुंबकीय होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 53 का जो राइट आंसर होगा वो भी ए वाला हो जाएगा, जो कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है, तो बुझा हुआ चूना देता है, ठीक है। फिर देखिए 54 का आंसर मुझे पता नहीं है, जितने भी मेरे को आंसर पता नहीं होता मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है अगर आपको पता है उसके आंसर तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 55 का राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होती है, क्यों होती है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन नहीं होता है इसलिए होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 56 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन, ठीक है। ऑल ऑफ दिस गिवन ऑप्शन, यानी कि जो कटिंग ऑफ ट्रीज और यहाँ पे टियरिंग ऑफ पेपर्स, ये दोनों यहाँ पे आपके राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 57 का जो राइट आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, किसी आक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, स्टार्च का आयोडीन का पत्र उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 58 का जो राइट आंसर होगा दूधिया हो जाएगा, ये भी कॉमन क्वेश्चन था, CO2 पर अगर किसी चूने के पानी मिलाते तो उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मिल्की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर 59वां क्वेश्चन है अपना, इसका राइट आंसर होगा ए वाला, ये भी कॉमन क्वेश्चन था, प्राकृतिक गैस का घटक पूछा गया था, ठीक है, तो मेथेन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन सा थर्मोस्टेट सेटिंग का बहुलक है, तो बेकेलाइट हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका। 61वें का देखिए IUPAC नाम पूछा गया है, ये तो ये आपको देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगाओ, इसका राइट आंसर होगा 1.1 IN4 IN, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 62 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होती है, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रयुक्त जो उत्प्रेरक प्रयुक्त करते हैं तो सक्रिय ऊर्जा जो है प्रभावित होती है। फिर देखिए 63 का आंसर मुझे पता नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए 64 का राइट आंसर की अगर बात करते हैं, जब पावर सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सार धातु का आकार क्या होता है, तो उसका आकार जो है इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखना आपको, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो 65 का क्वेश्चन नंबर है, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपका 65 का राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। फिर देखिए 66 का राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए सभी, ऊर्जा की कमी, यानी कि RS रोग के क्या लक्षण होते हैं, ऊर्जा की कमी, तेज हृदय गति, मतलब कि हार्ट बीट तेज, तो ये सारे यहाँ पे आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। फिर ऊपर यहाँ पे 67 की बात करते हैं, देखिए GMO की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है, तो GMO के आपकी 67 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला अनुवंशिक रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड और जो ऑर्गेनिज्म है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 68 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद में देखिए 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अलील, जीन्स को जो परिवर्तन लक्षणों के संकेतक है वो कहलाते हैं, तो अलील कहलाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये भी कॉमन सा क्वेश्चन था, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर होता था, XXY जो विधि है इसी के आधार पर होता है, ठीक है, 70 का आंसर। फिर 71 का देखिए राइट आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन, एनीमिया, देखिए शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं की अगर कमी आ जाती है तो आपका जो यहाँ पे कौन सा रोग होता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं उसको। नेक्स्ट यहाँ पे 72 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, जो 1953 में DNA के मॉडल को प्रस्तावित किया था वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट यहाँ पे 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी वाला हो जाएगा, ह्यूमस कहते हैं इसको, ठीक है, ये जो काफ़ी सारा लंबा क्वेश्चन है तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, सेवाल, किसके द्वारा अधिकतम ऊर्जा ग्रहण की जाती है, तो सेवालों के द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर 75 देख लीजिए इधर, तो इसका देखिए ये कहाँ 75 का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा देखिए सी वाला ऑप्शन, हाइड्रोजन, ठीक है, जो DNA अणु के दोनों अणुसूत्र अपने अपने नाइट्रोजन सारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपना 76 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा पारिस्थितिकी, ठीक है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो इकोलॉजी के अंदर इसका जो यहाँ पे एनवायरमेंट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 77 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 डी आंसर हो जाएगा इसका, टाइफाइड, देखिए को रोग जीवाणु से होता है, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, तो ये होता है टाइफाइड, इससे जीवाणु द्वारा होता है,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 78 का आपका राइट आंसर होगा ए वाला, इंसुलिन। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह, तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है, डायबिटीज जिसे आप कहते हो इंग्लिश में। 79 का आंसर देखिए मुझे पता नहीं है, तो आप इसे भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सा है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 80 का आंसर की अगर बात करते हैं, तो 80 जो क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका राइट आंसर होगा डी वाला। धारा का मान समान रहेगा, लेकिन विभिन्न प्रतिरोधों के सिर पर जो विभवांतर है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, 80 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में 81 की अगर बात करते हैं, तो 81 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है। देखिए सी वाला ऑप्शन होगा, ये उससे रिलेटेड है, एसी डीसी से रिलेटेड है, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वाले होते हैं, जबकि दिष्ट धारा में एक दीपर्वीक जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 82 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ये आधे चक्कर में, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा की जो विद्युत धारा मोटर में कुंडली के में धारा की दिशा एक बार बदलती है, कुंडली के हर आधे चक्कर में बदलती है। नेक्स्ट यहाँ पे 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 83 का राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 84 नंबर का जो राइट आंसर है, देखिए शुष्क सेल प्राइमरी सेल होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद में 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 kWh जो है ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए नंबर क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 86 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, 3 feet हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का, देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला, एक उत्तर लेंस की तरह काम करता है, एक वैसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये उत्तर लेंस होगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसका जो 87 का राइट आंसर होगा डी वाला आंसर हो जाएगा, एक उत्तल की लेंस की तरह काम करता है। फिर देखिए 88 का राइट आंसर जो यहाँ पे आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, जो भी इसका राइट आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 89 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। बी जो है प्लस, यहाँ पे देखना है प्लस है, इसके बाद में प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 90 का क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका राइट आंसर भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो भी मेरे हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा, ये होना चाहिए डी वाला ऑप्शन, लेकिन एक बार आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 91 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नीला, जो ब्लू कलर है वही इसके अंदर से मतलब कि अधिक विचलित होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 92 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 34 डिग्री जो है इसका राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इधर है 93 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 93 की अगर बात करते हैं तो आपका इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए 93 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा एपिक। भारतीय उपभोग उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा था, तो ये था एपिक नाम से जो इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए 94 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ड्रिपल। ड्रिपल देखिए एक मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये सारे हैं, MySQL है, Oracle है, MS Access है, ठीक है, तो ड्रिपल इसमें नहीं है, ठीक है, ड्रिपल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक स्पेस, फिर एक वैश्विक पता है एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा URL, ठीक है। जो भी URL आप जैसे कि कोई भी साइट होती है उसका URL, जैसे कि अपना साइट का नाम है गोल्डन एयर एजुकेशन, तो वो एक .com, तो वो एक URL है जिसे आप साइट तक पहुंच सकते हो मेरे तक, ठीक है। फिर देखिए 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लैंक स्पेस यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें जो पूछा गया है 96 का आंसर वो हो जाएगा आपका, इसका देखिए मेरे हिसाब से जो है ग्लोब स्टार होना चाहिए, ग्लोबल स्टार्स, इसको भी आप एक बार स्टार कर लीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे फिर देखिए ये इससे रिलेटेड 97 का भी आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा इसको। फिर ये देखिए इसका 98 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीरियल, ठीक है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सीरियल, जो ब्लैंक स्पेस पोर्ट को काम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा सीरियल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ये साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में देखिए 99 का है अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं जो विक्रम अम्बाला साराभाई, इनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन, ये मैंने देखिए इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें बता दिया था, वैसे फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो मैंने बताया था यहाँ पे जो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। और बाकी की यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली थी पहले के वीडियो में, इसका 1 point जो हो जाएगा इसका 51,000 हो जाएगा आपका, ठीक है। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के लिए दी जाने वाली राशि कितनी है, तो 51,000 हो जाएगी आपकी, इसकी राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है ये देवनारायण, ये
इस किससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे इसमें, ठीक है। अभी हमने साइंस वाला पार्ट किया है और करंट अफेयर वाला पार्ट मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया था, और जो बाकी का मैथ्स वाला और जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है वो भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और जो सेकंड वगैरह जो सेकंड पेपर है उसका भी आंसर की आपको मिल जाएगा जल्दी। तो अभी के इस लेसन में इतना ही बस, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ ही अगर यहाँ पर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ऐसी जो आगे की जो पेपर होंगे उसके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे पाने के लिए जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि जो जो ही नेक्स्ट पेपर अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो अभी के इस लेसन में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।